ऊपर वाला जब भी देता देते छप्पर फाड़ के। हाँ तो जब कुछ देर पहले रूम के नलों से चुल्लू और पानी आ रहा था, ऊपर वाले शर्मा अंकल की गलती से इतना पानी रूम में आ जाता है कि मैं उसमें वाटर पार्क बना लूं। फिर हमें इंडियन फ्रिज लेने जाना होता, पर इन्हें म्यूजिकल क्लास से फुर्सत मिले तब ना। हाँ ये कर लो पहले। इनके फुर्सत होते ही हम आ जाते हैं इंडियन फ्रिज यानी मटके के देसी शोरूम। फिर ये तबला बजा बजा कर मटके का ब्रेकिंग टेस्ट करता है और अपने चील की निगाहों से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकालता है। पर पूरी सिक्योरिटी मिल जाने पर फोनो फ्रेंड के ऑप्शन से अपने गांव वाले रामू काका से सही कीमत जानकर मटके वाले भैया से बार्गेनिंग की लड़ाई करके फाइनली मटका ले लेता है। अब ये इतने में भी नहीं मानते तो पानी भरकर मटके की वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी करते हैं। मटका लेने के बाद दूसरा टास्क था खाना पैक कराना, तो हम मुंह उठाकर एक महंगे होटल में घुस जाते हैं। अब यहाँ मेन्यू में झींगा बनता देख हम पतली गली से निकल लेते हैं। झींगा तो एक बहाना था, असलियत में तो मेन्यू में खाने की हाई प्राइस को देखकर हमारे पसीने छूट गए थे। पर कंटेंट को रूम पर भेजकर हम एक होटल से खाना पैक कराते हैं, पर रूम वापस आकर देखा तो कंटेंट बाहर था क्योंकि रूम की चाबी हमारे पास थी। फिर खाना खोलकर हमारी डिनर पार्टी शुरू होती है। मैं आपको बताऊंगा तो चलो शुरू।